हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश है और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम अपने चैटबॉट को जो कि हमने पिछले वीडियोस में बनाए थे उसको कैसे हम लोग इम्प्रूव करेंगे। जो चैटबॉट हमने बनाया था पाइथन को यूज़ करके, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे और अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे इन वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि हम लोग के प्रोजेक्ट में क्या प्रॉब्लम है और फिर हम लोग उनका सॉल्यूशन देखेंगे और हम लोग अपने चैटबॉट में एक फीचर यहाँ पर ऐड करेंगे कि हम लोग चाहते हैं कि जब भी चैटबॉट हमें आंसर दे तो उसका टेक्स्ट तो हमें स्क्रीन पे दिखे, साथ ही साथ में वो जो टेक्स्ट है उसको ऑडियो फॉर्म में भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे, जिससे कि क्या हो कि जो बंदा बैठा हो उसको सुनाई भी दे, ऑडियो के फॉर्मेट में मैसेज हमारे कानों में सुनाई भी दे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और हम उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे और नया फीचर हम लोग कैसे ऐड करेंगे अपने चैटबॉट में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारा चैटबॉट ओपन है और ये चैटबॉट ओपन है और हम लोग अगर कोई मैसेज लिखते हैं, जैसे मैं इससे पूछता हूँ व्हाट इज़ योर नेम, तो फ्रेंड हमें क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली अपने हाथ से इस बटन को क्लिक करना पड़ेगा यूजिंग माउस। जब हम बटन को क्लिक करेंगे तो हमारा मैसेज यहाँ पर गया होगा, ये देखिए मैसेज गया और चैटबॉट ने यहाँ पर हमें आंसर दे दिया। तो जितनी बार हम मैसेज को टाइप करते हैं तो अगर हम एंटर करें तो मैसेज नहीं जा रहा है और अगर हम यहाँ पे बटन पे क्लिक करें तो मैसेज आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि कोई मैसेज, जैसे मैं टाइप करूँ हेलो और मैं एंटर करूँ तो यहाँ पे हमारा मैसेज ऑटोमेटिक सेंड हो जाए, दैट मीन्स ये बटन एंटर की पे अपने आप क्लिक हो जाए, अपने आप फायर हो जाए, अपने आप इन्वोक हो जाए। ठीक है फ्रेंड, तो पहली प्रॉब्लम हम लोग ये सॉल्व करने वाले हैं। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे हमारे इस स्क्रॉल बार के साथ है। देखिए, अगर कोई मैसेज मैं हेलो लिखता हूँ तो वो मैसेज नीचे चला गया और हमें मैसेज नहीं दिख रहा, हमें मैन्युअली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा नीचे, तब हमें जाके मैसेज दिखेगा और साथ ही साथ ये स्क्रॉल बार भी एक्टिव नहीं है। तो हम ये वाली भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिससे कि जब मैसेजेस बढ़ते जाएंगे तो स्क्रॉल बार का साइज़ घटेगा बढ़ेगा, स्क्रॉलिंग हम लोग कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो दूसरी प्रॉब्लम हम लोग स्क्रॉल बार वाली प्रॉब्लम देंगे और थर्ड जो मेन चीज़ हम लोग इम्प्रूव करने वाले हैं इस वीडियो में अपने चैटबॉट में, वो ये है कि हम लोग अगर कोई मैसेज लिखें, जैसे मैंने लिखा हाउ आर यू, तो यहाँ पे टेक्स्ट तो मुझे मिले ही मिले, साथ ही साथ में मुझे इसका जो आंसर हो ऑडियो फॉर्म में मिले, दैट मीन्स हम ऐड करना चाहते हैं ऑडियो इफेक्ट। जैसे ही हम चैटबॉट से पूछेंगे वो हमें ऑडियो के फॉर्म में बताएगा, दैट मीन्स हमें अपने कानों में सुनाई देगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एंटर पे हम लोग मैसेज को सेंड करते हैं, ये आस्क फ्रॉम बॉट वाले बटन क्लिक करते हैं, उसके बाद हम लोग स्क्रॉल बॉट सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग ऑडियो इफेक्ट ऐड करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्या करेंगे, एंटर की जैसे हम लोग एंटर करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख दूंगा क्रिएटिंग अ फंक्शन। मैं ये जो कोड मैं क्या कर रहा हूँ, पिछले वीडियो में जो मैंने कोडिंग लिखी थी उसी में कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर आपने अभी तक वीडियोस को नहीं देखा तो मैं उसका जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके सबसे पहले वीडियो को देखिए और सोर्स कोड को डाउनलोड करिए और फिर उसको एडिट करिए। चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन बनाने के लिए यूज़ करेंगे मैं डेफ कीवर्ड यूज़ करूँगा और नाम दूँगा एंटर फंक्शन। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे ही फंक्शन कॉल होगा ये बटन को अपने आप से क्लिक कर देगा। तो बटन को कोड के थ्रू क्लिक करने के लिए बटन के पास एक फंक्शन है इनवोक। जैसे ही ये फंक्शन चलेगा, जैसे एंटर फंक्शन चलेगा, अपने आप इस बटन को क्लिक कर देगा। तो आपको कुछ नहीं करना होगा, बस एंटर पे ये एंटर फंक्शन कॉल करना है आपको, दैट्स इट। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल दे देंगे इवेंट, ये इवेंट देने वाले, क्योंकि जब हम बाइंड करेंगे तो जैसे एंटर करेंगे इवेंट का ऑब्जेक्ट मिलेगा इस फंक्शन। तो अभी फिलहाल हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट ये देना इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, अपने मेन विंडो को गोइंग टू, यहाँ लिख देता हूँ गोइंग टू बाइंड मेन विंडो विद एंटर की फ्रेंड। ठीक है, तो बाइंड कैसे करेंगे, हम मेन विंडो का ऑब्जेक्ट मेन वाले वेरिएबल में रखें डॉट बाइंड, एक फंक्शन है बाइंड करने के लिए, बाइंड मतलब जोड़ना। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक कोड, की कोड रिटर्न, रिटर्न मीन्स एंटर। अगर आप देखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप ओपन कर लोगे टर्मिनल और यहाँ पे इस वाले मेन अपने टीके की हेल्प की हेल्प फंक्शन की हेल्प से आप टीके की लाइब्रेरी को फेच करोगे। मैं एक बार दिखा देता हूँ, इम्पोर्ट टीके एंटर, और पहले आप पाइथन का इंटरप्रेटर लॉन्च कर दिए और यहाँ पे टाइप करिए इम्पोर्ट टीके एंटर और यहाँ पे आप हेल्प को दीजिए टीके एंटर डॉट टीके
और एंटर कर दिए। तो यहाँ पे फ्रेंड हमें देखेंगे तो हमें एक फंक्शन मिलेगा बाइंड का, और बाइंड को अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे की कोड वगैरह मिल जाएंगे हमें। तो एंटर बेसिकली होता ही, देखिए यहाँ पे हमें मिल गया, ये देखिए, बाइंड द विजिट टू इवेंट सीक्वेंस टू कॉल अ फंक्शन। सीक्वेंस इज अ स्ट्रिंग ऑफ कॉन्कैटिनेटेड इवेंट पैटर्न, एन इवेंट पैटर्न इज एन मॉडिफायर टाइप डिटेल वेयर मॉडिफायर इज वन ऑफ द, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे इवेंट हैं जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, की रिलीज, डीएक्टिवेट, विजिबिलिटी, तो एंटर की का जो इवेंट था वो रिटर्न है ये कोड। तो जैसे आप रिटर्न एंटर की कॉल करोगे, बाइंड कर देगा, जैसे एंटर की प्रेस करोगे तो ये फंक्शन कॉल करेगा, एंटर फंक्शन, और हमें यहाँ पे फंक्शन का रेफरेंस देना, कॉल नहीं करना, तो ये चीज़ हम हटा देंगे फ्रेंड। और हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं क्या ये जो मेन विंडो एंटर की से बाइंड हो गई है, और अगर बाइंड हो गई है तो क्या ये फंक्शन कॉल कर रही है, और ये फंक्शन अगर कॉल होगा तो यहाँ से कॉल हो जाएगा हमारा ये वाला फंक्शन इनवोक बटन का, और ये फंक्शन क्या करेगा, ये मेथड क्या करेगा, आपकी बटन को क्लिक कर देगा। तो राइट क्लिक करते हैं, अपने प्रोग्राम को रन करते हैं एक बार, देखते हैं क्या ये हमारा तरीका काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। अगर काम कर रहा है तो हमारी जो पहली प्रॉब्लम उसको सॉल्व हो गई है। मैं एक बार और आपको समझा दूंगा। तो चैटबॉट हमारा ओपन है यहाँ पे, और हम लिखते हैं हाय और एंटर करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए, दैट्स इट, हमारा काम हो गया है। ये देखिए मैसेज आ गया, अपने आप बटन क्लिक हो गई, और यहाँ पे आई एम डूइंग ग्रेट हमारा आंसर भी आ गया। अगर मैं लिखता हूँ हाउ आर यू, एंटर करता हूँ तो आपका मैसेज चला जाएगा। उसके बाद व्हाट इज योर नेम, फिर एंटर करते हैं तो आपका मैसेज चला जाएगा। तो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई फ्रेंड्स। एक बार मैं और समझा दे रहा हूँ, हमने बेसिकली क्या किया है, अपने विंडो को बाइंड किया रिटर्न की से, रिटर्न मीन्स एंटर की, जैसे ही एंटर किया प्रेस करो एंटर फंक्शन कॉल हो जाए, और एंटर फंक्शन कॉल होगा तो ये बटन को इन्वोक कर देगा, सिंपल। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार को हमें अटैच करना पड़ेगा अपने मैसेजेस से। तो अटैच करने के लिए जहाँ पे हमने मैसेजेस वाला लिस्ट बॉक्स बनाया था वहाँ पे जाएंगे। तो मैसेजेस वाला लिस्ट बॉक्स हमने यहाँ बनाया था, और यहाँ पे मैं फंक्शन यूज़ करूँगा वाई स्क्रॉल, एट्रीब्यूट है बेसिकली ये कमांड, और यहाँ पे हमें देना है स्क्रॉल बार डॉट सेट, और ये सेट एक फंक्शन है, दैट मीन्स कह सकते हैं एक मेथड है स्क्रॉल बार क्लास में, और उस मेथड का रेफरेंस देना है। तो बस इतना, आपको ये ब्रैकेट नहीं लगाना है पैरेंथेसिस। अगर आप इतना काम करोगे तो आपका स्क्रॉल बार एक्टिव हो जाएगा। एक बार मैं फिर से रीरन प्रोग्राम करता हूँ और देखते हैं स्क्रॉल बार एक्टिव हुआ क्या, उसकी हाइट या विड्थ क्या घट बढ़ रही है हमारे कंटेंट के हिसाब से। अगर हाइट विड्थ घट बढ़ रही होगी दैट मीन्स हमारा काम हो गया है। तो चैटबॉट यहाँ पे ओपन है, कुछ मैसेज देते हैं, मैं लिखूँगा हाय 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 हाय, जब तक मैं मैसेज टाइप करूँगा जब तक हमारा लिस्ट बॉक्स भर नहीं जाता। तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि हमारा स्क्रॉल बार एक्टिव है ही नहीं, ये डिसेबल टाइप का है या स्क्रॉल बार नहीं है, लेकिन जैसे हमारा कंटेंट बढ़ेगा अपने आप से देख सकते हैं स्क्रॉल बार आ गया, और जब हम इसको ऊपर नीचे करेंगे तो स्क्रॉल बार ऊपर नीचे भी हो रहा है, फिर एंटर करेंगे स्क्रॉल बार और नीचे सकता है। लेकिन अगर लास्ट मैसेज में लिखता हूँ जैसे व्हाट आर यू डूइंग और एंटर करता हूँ, तो प्रॉब्लम ये है कि जो मैसेज आया वो नीचे चला गया। अब हमें उस मैसेज को देखने के लिए खुद से स्क्रॉल करना पड़ेगा नीचे। तो अगर हम खुद से स्क्रॉल करेंगे तभी ये मैसेज दिखेगा। हम चाहते हैं कि जैसे कोई मैसेज हम यहाँ पे लिखें दिस इज मी और एंटर करें, अपने आप से ये स्क्रॉल कर दे नीचे, और हमें खुद स्क्रॉल करके नीचे ना जाना पड़े। तो ये काम करने के लिए क्या करेंगे, हम चलेंगे अपने कोड में, और जहाँ एंटर इस बटन को फायर करने पे फंक्शन हम लोग चला रहे थे आस्क फ्रॉम व्हाट, तो हम उस फंक्शन में चलेंगे, और ये सारा काम हो रहा था जैसे ही मैसेज जा रहा था। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करेंगे टेक्स्ट लिस्ट बॉक्स पे, तो हम कहेंगे मैसेजेस डॉट वाई व्यू, और वाई व्यू को हम एंड कर देंगे, तो अपने आप से वाई व्यू ये एंड पे पहुंच जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा। फिर से हम रन करते हैं, रीरन करते हैं प्रोग्राम को, और हमारी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं यहाँ पे। अभी हम प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं क्या हमारी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर हमारी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो यहाँ पे हम ऑडियो को ऐड करना स्टार्ट करेंगे। चलिए अब लोग फिर से यहाँ पे कुछ लिखते जाते हैं और स्क्रॉल बार आने का वेट करते हैं।
चलिए फ्रेंड्स अब हम कुछ अच्छे से टाइप करते हैं, देखते हैं। स्क्रॉल बार सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ आर यू और एंटर करना, तो हम देख पाएंगे कि स्क्रॉल बार अपने आप नीचे स्क्रॉल हो रहा है और यहाँ पे हाउ आर यू भी आ रहा है। अगर मैं लिखता हूँ विच लैंग्वेज डू यू प्रिफर टू टॉक और हम लोग एंटर करते हैं, तो यहाँ पे देखिए अपने आप से स्क्रॉल नीचे हो गया, आई मोस्टली टॉक इन इंग्लिश। तो अब फ्रेंड होगा क्या, जैसे ही आप बात करते जाओगे अपने आप से ऑटो स्क्रॉल नीचे होता जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा देखिए स्क्रॉल बार भी बढ़िया चलेगा और ऑटो स्क्रॉल भी होता रहेगा और एंटर पे आपका काम भी होता रहेगा। तो दोनों प्रॉब्लम हमारी क्या हो गई, सॉल्व हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, ऑडियो इफेक्ट ऐड करने की कोशिश करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो मैसेज आ रहा है वो ऑडियो के फॉर्म में आए। चलिए फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट तो दिखाएंगे साथ साथ में ऑडियो भी दिखाएंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं। ऑडियो को यूज़ करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी और उस लाइब्रेरी का नाम है PyTTSX। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऐसे ही कमेंट करके, उसको इंस्टॉल करेंगे अभी हम लोग, PyTTSX3। अब हम अगर नेट पे चलते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं गूगल पे PyTTSX3, एंटर करते हैं, तो यहाँ पे जो सबसे पहली वेबसाइट ओपन होगी PyPy.org, इसको ओपन कर लेंगे। और अगर आपके पास टाइम है तो आप एक बार क्या करिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इंस्टॉल करने के बाद कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे आपको गेट करना होगा प्रॉपर्टीज़, वॉइसेस कैसे सेट करना होगा, कैसे वॉल्यूम सेट करना होगा, कैसे वॉइसेस निकालना है, engine.property.voices, आप फीमेल मेल बहुत सारे तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ आप देखिएगा, आराम से पढ़िएगा। मैं क्या करता हूँ, क्विक स्टार्ट, मैं सबसे पहले इंस्टॉल करूँगा पिप इंस्टॉल PyTTSX3, एंटर करूँगा, उसके बाद इनिशियलाइज करूँगा और हम इसको यूज़ करेंगे। चलिए करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम अपना चैटबॉट ओपन करेंगे और यहाँ पे चलेंगे टर्मिनल पे, और टर्मिनल पे अगर कुछ भी खुला होगा तो हम टर्मिनल को क्लियर कर देंगे, जिससे कि जो भी कमांड हम टाइप करें वो दिख जाए। तो हमारे पास यहाँ टर्मिनल है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले पिप का वर्जन देखेंगे कि क्या पिप इंस्टॉल्ड है कि नॉट रिकग्नाइज्ड आ रहा है। अगर नॉट रिकग्नाइज्ड आ रहा है तो अब पाथवाथ का कुछ लोचा हुआ उसको सेट करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए पिप 10.0 इंस्टॉल है। अब हम क्या करते हैं कि अपना सॉफ्टवेयर, अपना मॉड्यूल इंस्टॉल करते हैं, लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं। तो हम टाइप करेंगे पिप इंस्टॉल और हम यहाँ पे टाइप करेंगे PyTTSX3 और एंटर कर देंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा बट आपका जो भी मॉड्यूल है उसको इंस्टॉल कर देगा आपके प्रोजेक्ट में, जिससे हम लोग यूज़ कर पाएंगे ऑडियो भी। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक वेट कर लेते हैं। तो हमारे प्रोजेक्ट में यहाँ पे इंस्टॉल हो गई है लाइब्रेरी। अब हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो इम्पोर्ट कर लेते हैं भाई। इम्पोर्ट करने के लिए मैं लिखूँगा इम्पोर्ट PyTTSX3 और आप यहाँ पे SPP भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है भाई, जो भी लिखना हो। उसके बाद मैं क्या करूँगा, चैटबॉट बनाने से पहले ही मैं क्या करूँगा, अपनी ऑडियो लाइब्रेरी को क्या करूँगा, जो स्पीकर को एक्सेस करेगी उसको इनिशियलाइज कर दूँगा। तो इनिशियलाइज करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपने pp.init एक फंक्शन कॉल करूँगा और ये क्या करेगा, आपके इस pp को इंस्टॉल कर देगा, दैट इज PyTTSX3 वाले मॉड्यूल को इनिशियलाइज कर देगा और ये रिटर्न करेगा एक इंजन का मॉड्यूल। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल में इसको स्टोर कर लेंगे क्योंकि यही मेन है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे काम करने के लिए। उसके बाद हमें यहाँ पे वॉइसेस निकालने होंगे, तो मैं कॉल करूँगा engine.getProperty और मैं यहाँ टाइप करूँगा वॉइसेस। तो जितने भी अवेलेबल वॉइसेस हैं हमें मिल जाएंगी। मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा जिसका नाम दूंगा वॉइसेस। तो ये बेसिकली लिस्ट होगी, अगर आप देखना चाहते हो तो इस लिस्ट को प्रिंट भी कर सकते हो, तो मैं प्रिंट कर देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए वॉइसेस। और एक्सेस करना होगा तो लिस्ट ऑफ 0, लिस्ट ऑफ 1 एक्सेस कर लेंगे। तो यहाँ पे दो
एक फीमेल की होगी और एक मेल की होगी, तो पहले वाले पे मेल की होगी, दूसरे पे फीमेल की होगी, तो मैं सेट करूंगा कि मुझे चाहिए कौन सी वॉइस। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इंजन डॉट सेट प्रॉपर्टी, और मैं यहाँ पे की में दूंगा वॉइस और इसकी वैल्यू में दूंगा अपनी वॉइस। तो मैं लिखूंगा वॉइसेस ऑफ जीरो, सबसे जीरो थे एलिमेंट, दैट मीन्स आई वॉन्ट मेल वॉइस डॉट आई डी। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगी, सेट हो जाएगी मेल वॉइस। ठीक है, अब हम लोग फंक्शन बनाते हैं स्पीक, जो ये फंक्शन जैसे चलेगा हम एक वर्ड देंगे या सेंटेंस देंगे, ये सेंटेंस को स्पीक करेगा। तो स्पीक करने के लिए मैं यहाँ पे इंजन डॉट से यूज करूँगा फंक्शन, और मैं अपने वर्ड को दे दूंगा। उसके बाद फ्रेंड मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और फंक्शन है, एक और मैथड कॉल करना पड़ेगा, इंजन डॉट रन एंड वेट, दैट्स इट। अब हमें कोई भी ऑडियो स्पीक कराने के लिए सिर्फ इस फंक्शन को कॉल करना है स्पीक, और हमें अपना वर्ड दे देना है, अपने आप स्पीक कर देगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बेसिकली आस्क फ्रॉम बोट से, जैसे ही हमें इस ये फंक्शन कॉल हो रहा था, बटन क्लिक करने पे हमें आंसर मिल रहा था यहाँ पे, और जैसे ही हम मैसेज को इंसर्ट कर रहे थे, डिलीट कर रहे थे, स्क्रॉल कर रहे थे, जैसे हम इंसर्ट करेंगे मैं यहाँ कॉल कर लूँगा स्पीक, स्पीक फंक्शन, और स्पीक में पास कर दूंगा आंसर, आंसर फ्रॉम बॉट। दैट्स इट फ्रेंड, हमारा ऑडियो, हमारे स्पीकर यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, और यहाँ पे मेल वॉइस आएगी जो भी आंसर हो गए। एक बार रन करते हैं, देखते हैं कि क्या ये चलता है, काम करता है। अगर काम किया तो दैट्स इट, हमारा काम हो गया, बट अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो हम रन करते हैं यहाँ पे, और तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैंने लिस्ट प्रिंट की थी, बेसिकली ये पहला ऑडियो है, पहली वॉइस है, और ये दूसरी वॉइस है। एक्चुअली ये वॉइस का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को निकाल के इस पर काम भी कर सकते हैं अगर आपको करना है या सेट करना है। मैं बारी बारी से दोनों एक बार सेट करके दिखा दूंगा, एक बार मैं दिखा दूंगा मेल की और एक बार दिखा दूंगा फीमेल की। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैसेज देता हूँ हाय, एंटर करता हूँ, तो एक बार मैं क्रॉस चेक करता हूँ मेरा वॉल्यूम वगैरह सही है, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि ऑडियो तो आई नहीं। फिर से ज़रा मैं टाइप करता हूँ व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज व्हाट आई एम क्रिएटेड बाय योगेश। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है, और भी इससे पूछता हूँ हाउ आर यू, और मैं आस्क फ्रॉम व्हाट, ओके, व्हिच लैंग्वेज यू प्रेफर टू टॉक, यू प्रेफर टू टॉक, एंटर करते हैं, ओके, सो I'm doing great these days. Which city do you live? What is your name? Name is Bot. I am created by Durgesh. Name is Bot. I am created by Durgesh. Live in Lucknow. This bot, I am created by Durgesh. Thank you. तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे देखा कि हम लोग ऑडियो इफेक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं अपने चैट बॉट में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अगर हमने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो कमांड टाइप करके दे रहे हैं उसको हम लोग हम स्पीच के थ्रू कैसे दे सकते हैं, जिससे कि हम लोग को टाइप ना करना पड़े, और हम लोग कोई भी ऑडियो बोल दें और ये बॉट सुन लें और हमें ऑडियो के फॉर्म में आउटपुट दे दें। तो आपके पास दोनों ऑप्शन रहेगा, आप टाइप भी कर सकते हो और टाइप करने के साथ साथ में आप ऑडियो से भी इनपुट दे सकते हो, और ये क्या करेगा, आपके ऑडियो को रिकॉग्नाइज करेगा, उसके बाद
टेक्स्ट में चेंज करेगा, और टेक्स्ट पे एक बार चेंज हो गया तब जाके ये प्रोसेस करेगा और फिर हमको आउटपुट ऑडियो के फॉर्म में ही देगा। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आप भी प्रोजेक्ट साथ ही साथ में बना रहे हो तो कमेंट बॉक्स में हमको बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम लोग नई नई तरह के वीडियोस प्रोजेक्ट ला पाएँ, एडिशनल फीचर्स अपने प्रोग्राम में ऐड कर पाएँ और हम लोग कंसोल बेस्ड प्रोग्राम को कोशिश करें वेब में कन्वर्ट करने की और टीके एंटर दैट मीन्स डेस्कटॉप एप्लीकेशन में कन्वर्ट की, जिससे आप एक जीवाई फॉर्म का प्रोजेक्ट बना पाओगे और यूज़ भी कर पाओगे अपने डेली लाइफ में। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।